गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग गीत मकड़ी रानी, कविता मकड़ी रानी को एक्शन के साथ सीखेंगे। चलिए एक्शन करिए मेरे साथ, मकड़ी बनाइए पहले। ये मकड़ी रानी, फिर से बोलिए मकड़ी रानी, बतलाओ तो प्रश्न हमारा, कैसे तुमने जाल बुना है, इतना सुंदर इतना प्यारा, जिससे जाल बुना वह धागा, भला कहाँ से लाती हो, बुनने वाली जो मशीन है वह भी कहाँ छिपाती हो, एक विनती तुमसे मेरी है छोटी सी सुनो जरा, मैं पतंग का धागा दे दूँ, मेरे कपड़े बुनो जरा। ठीक है, इसको आप एक्शन के साथ सीख लीजिए। और इस कविता को पहले आपको लिखने के लिए बोला गया था कॉपी में ना, आपने लिखा है ना? ठीक है, ओके। आइए पढ़ते हैं मकड़ी रानी। मकड़ी आप जानते हो ना बच्चों, स्पाइडर होता है स्पाइडर, इसको हिंदी में मकड़ी बोलते हैं, मकड़ी रानी। चलिए, मकड़ी रानी बतलाओ तो प्रश्न हमारा। देखो ये जो कविता जिन्होंने लिखी है ना, ये लक्ष्मी शंकर वाजपेयी ये बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं मकड़ी रानी के बारे में। मकड़ी रानी से बोल रहे हैं ये दोनों बच्चे, मकड़ी रानी से बात कर रहे हैं और ये कविता बच्चों के लिए इन्होंने लिखी है, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने। और ये दोनों बच्चे मकड़ी से बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मकड़ी रानी बतलाओ तो प्रश्न हमारा, उससे मकड़ी रानी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब कुछ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कैसे तुमने जाल बुना है, जो मकड़ी जो जाल बुनती है ना, वेब बुनती है ना, उसको हम लोग वेब को हिंदी में जाल बोलते हैं। कैसे तुमने जाल बुना, ये बच्चे लोग सोच रहे कि ये कैसे जाल बुन लेती है, इतना सुंदर इतना प्यारा, और कितनी अच्छी डिजाइन होती है ना उसके वेब की, एकदम कितनी सुंदर सी डिजाइन होती है, इतना सुंदर इतना प्यारा, जिससे जाल बुना वह धागा, भला कहाँ से लाती हो। और बोल रहे कि जो धागा है वो तुम लाती कहाँ से हो, बुनने वाली जो मशीन है, बुनने वाली जो मशीन है वह भी कहाँ छिपाती हो, तुम्हारे पास कोई तो मशीन तो दिखाई नहीं देती है और वो कहाँ छुपा के रखती हो। एक विनती तुमसे मेरी है छोटी सी सुनो जरा, मैं पतंग का धागा दे दूँ, मेरे कपड़े बुनो जरा। और ये बच्चे लोग बोल रहे कि ये मेरे पतंग के धागे से भी बुन दो जरा, कपड़े भी बुन दो जरा, तुमको मशीन कहाँ छुपा के रखी हो, जब ये इतना सुंदर जाल बना लेती हो तो मेरे सुंदर सुंदर कपड़े भी बुन दो। तो समझ में आई ये कविता? ठीक है, इस कविता को लर्न कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब कॉपी में लिखने का टाइम आ गया, कविता पूरी करो। ये कविता अभी हम लोग ने पढ़ी थी मकड़ी रानी, उसको फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आपके एग्जाम में आएगा, तो आप यहाँ लिखिए प्रश्न, कविता पूरी करो। ऊपर में जिस दिन आप काम कर रहे हो उस दिन की डेट लिखिएगा और मार्जिन लाइन को छोड़ के आप यहाँ पर ये प्रश्न लिखिए, कविता पूरी करो। चलिए, आपको सब पेंसिल से ही लिखना है और ये लाइन अंडरलाइन करना जहाँ पे मिस फिल इन द ब्लैंक्स की तरह बनाइए। चलिए, आपको सब पेंसिल से लिखना है, मिस ने ब्लू एंड रेड से लिखा ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। चलिए, मकड़ी रानी और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, और इसको आप ऊपर से पेंसिल से लिख दीजिएगा इस लाइन के ऊपर, मकड़ी रानी बतलाओ, फिर यहाँ डैश डैश
हमारा, और डैश डैश के ऊपर ये लिखिए तो प्रश्न हमारा, ओके। और फिर कैसे तुमने डैश डैश है, ठीक है, और यहाँ पर कैसे तुमने जाल बुना है, ठीक है। इतना डैश तो यहाँ पर है, इतना सुंदर इतना प्यारा, और यहाँ पूर्ण विराम। फिर लिखिए जिससे डैश बुना वह डैश, और डैश में भरिए, जिससे जाल बुना वह धागा, भला डैश से डैश, भला कहाँ से लाती हो, ठीक है। डैश नीचे डैश के ऊपर आप लोग फिर इंदर ब्लैंक्स भरिएगा जैसे मैंने भरा, लेकिन आप सब पेंसिल से ही करिएगा। बुनने डैश जो डैश है, यहाँ लिखिए बुनने वाली जो मशीन है, ये सब डैश के ऊपर वाली लिखिए, डैश के ऊपर मशीन लिखिए, वह भी कहाँ छिपाती हो, एक डैश तुमसे डैश, फिर लिखो इसमें भरो, डैश में भरो, एक विनती तुमसे मेरी है छोटी सी डैश, जरा, और यहाँ पे है छोटी सी सुनो जरा, मैं डैश का डैश दे दूँ, मैं पतंग का धागा दे दूँ, मेरे कपड़े बुनो जरा, यहाँ पे डैश और डैश रहेगा, मेरे कपड़े बुनो जरा, और यहाँ पे पूर्ण विराम। ये हमारी कविता पूरी हो गई, कविता पूरी करो, आपने पूरा कर लिया, और इसको कॉपी में आप लिख लीजिएगा, ठीक है।